हेलो एवरीवन क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्यूटर इतने दिन तक हम दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे थे नाउ लेट अस नाउ रीड कंप्यूटर सब्जेक्ट ओपन योर बुक चैप्टर फोर पेज नंबर ट्वेंटी नाइन क्लिकिंग माउस ये लेसन जो है माउस का है माउस से ही आपका कंप्यूटर चलता है स्टूडेंट्स डू यू सी ए माउस एट होम क्या आपने अपने घर में चूहा देखा है कंप्यूटर हैज़ ऑल्सो हैज़ ए माउस कंप्यूटर के पास भी एक माउस होता है देख लो बेटा बट इट इज़ एन ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी पार्ट है मुख्य पार्ट है अस नाउ अबाउट द माउस इन डिटेल आओ हम माउस के बारे में जानकारी लेंगे माउस इज पॉइंटिंग डिवाइस इट इज़ यूज टू पॉइंट एंड सेलेक्ट्स ऑब्जेक्ट ऑन द मोनीटर जब हम मोनीटर पर काम करते हैं तो जो पॉइंट दिखाता है वो माउस का काम है माउस को हम ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं तब वो माउस तब कंप्यूटर अपना काम करता है अ क्लिक अ बटन बटन को क्लिक करो द माउस सेंड इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर ये माउस का काम क्या है ये सारी इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर तक भेजता है यूजेज ऑफ माउस माउस इज यूज टू पॉइंट एट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एनी सब्जेक्ट प्ले गेम्स ड्रा पिक्चर इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर माउस के ये यूज हैं पहले तो पॉइंट करता है ऑब्जेक्ट को फिर आप अपना सब्जेक्ट यूज चूज़ कर लो सेलेक्ट कर लो उस पर आप गेम भी खेल सकते हो पिक्चर बना सकते हो और सारे इंस्ट्रक्शन ले सकते हो वी शुड यूज़ द माउस ऑन द माउस पेड ओनली हम माउस पेड से काम कर सकते हैं द प्रिवेंट द माउस फ्रॉम गेटिंग द टी इट इज़ ऑल्सो वर्क मच बेटर एंड स्मूथ बेस बिल्कुल जो नीचे का जो हिस्सा होना चाहिए वो स्मूथ होता है कभी माउस चलता है थोड़ा सा हार्ड हिस्सा होगा तो वो चलेगा नहीं ओके okay? बटन ऑफ माउस माउस जनरली हैज टू और थ्री बटन्स माउस के पास कितने बटन होते हैं थ्री बटन होते हैं राइट बटन स्कॉल व्हील एंड लेफ्ट बटन ओके बेटा हाउ टू होल्ड द माउस माउस को कैसे पकड़ना चाहिए लुक एट द पिक्चर लेफ्ट बटन इंडेक्स फिंगर राइट बटन मिडिल फिंगर ये देख लो आपको पकड़ने का हिस्सा ऐसा है हॉल्ड द माउस टाइट लाइटली सो दैट यूर पार्म सेट ऑन इट पुट यूर इंडेक्स फिंगर ऑन ए लेफ्ट माउस बटन पुट यूर मिडिल फिंगर ऑन द राइट माउस बटन ये देख रहे बेटा आप अपना लेफ्ट बटन कहाँ जा रहा है और राइट बटन कहाँ जा रहा है लुक एट द पिक्चर फंक्शन ऑफ ए माउस माउस के क्या क्या फंक्शन है वैन वी क्लिक लेफ्ट बटन वंस द सेलेक्ट आइटम जब हम लेफ्ट वाला क्लिक बटन करते हैं तो आइटम सेलेक्ट होता है वैन वी क्लिक द ट्वाइस ऑन द ऑब्जेक्ट इट विल ओपन द फाइल आउट एप्लीकेशन जब हम दो बार दबाते हैं उसको तो वो फाइल खुल जाती है या एप्लीकेशन खुल जाती है स्कॉल व्हील हेल्प ऑफ द मूव करेंट पेज अप एंड डाउन उसको इस्कॉल करते हैं तो पेज अप और डाउन ये देख लो बेटा इसमें आप ऊपर नीचे करने का होता है। आपको सर भी समझाएंगे जब क्लास खुलेगी वैन वी क्लिक राइट बटन वंस एक बार हम जब राइट वाला बटन दबाते हैं इट ओपनस ए पॉप अप मीनू विच हैज शॉर्टकट टू फ्रीकवेंटली यूज कमेंट्स ओके चेंज योर पेज दिस ओनली थर्टी पेज नाउ चेंज योर पेज पेज नंबर थर्टी वन जस्ट एज वी यूज आवर हैंड्स टू टच एनी ऑब्जेक्ट जब हम अपना कोई ऑब्जेक्ट को टच करते हैं सिमिलरली वी कैन यूज द माउस इन इंटरेक्ट विद द आइटम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू क्लिकिंग ऑन माउस वेन वी प्रेस द माउस बटन इट इज कॉल्ड क्लिकिंग जब माउस का बटन को दबाते हैं तो उसको क्लिकिंग बोलते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लिकिंग सिंगल क्लिक और डबल क्लिक सिंगल क्लिक क्लिकिंग ऑन द माउस बटन वंस कॉल्ड सिंगल क्लिक एक बार दब आते हैं बटन को तो वो सिंगल क्लिक होता है बाय सिंगल क्लिक वी कैन सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ आइटम फिर हम उसको आइटम को या सब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं डबल क्लिक प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द लेफ्ट माउस बटन टाइस क्विकली विदाउट मूविंग द माउस इज नॉन एज डबल क्लिक दो बार क्लिक करना पड़ता है उसको डबल क्लिक बोलते हैं डबल क्लिक इज यूज टू ओपन ए फाइल ऑफ एप्लीकेशन चेंज योर पेज पेज नंबर थर्टी टू अब ये आपका लेसन खत्म हो गया है आपको मैं कुछ न्यू वर्ड बता रही हूँ माउस इट इज यूज टू पॉइंट एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द मोनिटर माउस पैड अ पैड टू कीप द माउस ऑन शट डाउन क्लोज अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू लेसन इज ओवर अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करवाऊंगी वो आपको कॉपी में भी करनी है और याद भी करनी है Okay, thank you.